नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन रामदास, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, बीजेपी नेता संजय शास्त्री ने हरी झंडी दिखाकर 30 बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। इन बसों में 1200 श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर रवाना हुए हैं। इससे पहले चारधाम यात्रा का शुभारंभ करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा लगातार किए जाने का दावा किया है। जो कपाट है वो खोल रहे हैं, 8 तारीख को भगवान बद्री के कपाट खोल रहे हैं, और आज से रोटेशन यात्रा का यहाँ से शुभारंभ मेरे और माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे चंदन रामदास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये यात्रा बहुत निष्कंटक हो, हमारे यात्रियों का जो भाव ये लोग लेके आए, इनके लिए भगवान इन पर कृपा बना के रखें। और निश्चित रूप से यातायात रोटेशन के जो हमारे लोग हैं, जिन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की है जो पिछले 50 वर्षों चल रही है, उनको भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से 2 साल बाद जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कोरोना के कारण बाधित थी, इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, साफ सफाई के लोगे, शौचालय को लेके, ठहराव को लेके, चिकित्सा के लिए तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की है। यूपी में एक बार फिर 5 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, जहां गोंडा जिले के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं ईशान प्रताप सिंह का भी तबादला कर दिया गया है, उन्हें भी मुख्यमंत्री का विशेष सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। अनुभव सिंह CDO श्रावस्ती बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के एक तरफ सरकार व्यवस्थाओं के बड़ी बड़ी दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तीर्थयात्री सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में BTC परिसर स्थित पंजीकरण काउंटर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तीर्थयात्री भारी गर्मी से सुबह से लाइन में लग करके रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हो रहे हैं। कई घंटों इंतजार के बाद भी तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। कभी सर्वर डाउन होने की बात कही जा रही है, तो कभी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से तीर्थयात्रियों को पंजीकरण के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। तीर्थयात्रियों ने सरकार से इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। सितारगंज के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में उत्तराखंड नई शिक्षा नीति के तहत निपुण शिक्षा अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के साथ बीते 2 वर्ष के कोरोना काल के चलते देश भर में लॉकडाउन होने और विद्यालयों के बंद किए जाने से जो स्कूली छात्राओं की पढ़ाई और सीखने का स्तर कम हुआ है, इस पर चर्चा और अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण देने आए संबंधित अधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा है कि कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 47 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत कर अभियान करके एक प्रोग्राम है, जिसको जिसके लिए हमें ये ट्रेनिंग दी गई यहाँ पर। और ये जो शिक्षण है, ये प्रशिक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि कोविड के दौरान जो बच्चों के सीखने के स्तर में जो लॉस हुआ है, उसका रिकवरी कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। और आज ये बैचवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आज प्रभारी जो प्रधानाध्यापक है वो 47 विद्यालयों से आज की शुरुआत कर रहे हैं। सितारगंज में बार काउंसिल के चुनाव संपन्न कराने के लिए सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं ने चेयरमैन हरीश दुबे को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ के निर्देशानुसार सितारगंज बार एसोसिएशन की बैठक एडवोकेट रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में की गई, जिसका संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता SK त्रिपाठी ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022-23 के बार के चुनाव के लिए सदस्य हरीश दुबे को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने पर सहमति बनी है। गंज के जो है कि एक बैठक संपन्न हुई है, उस बैठक में लेखा जोखा दिया गया है आज जो वर्तमान में हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनके अनुसार, और आज जो है कि मुझे सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया है। मैं शीघ्र ही 2 सहायक चुनाव अधिकारी घोषित करके चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दूंगा, और आज से जो है कि हमारे बार काउंसिल जो बार एसोसिएशन है उसकी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, शीघ्र ही जो है चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रतापगढ़ की मिसेज यूपी क्वीन डॉक्टर अदिति सिंह गुरुवार को प्रतापगढ़ शहर के निकट स्थित अपने पैतृक गांव भूपिया मऊ पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।
वे यहाँ अपने पैतृक गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। मिसेज यूपी क्वीन को अपने बीच में पाकर के महिलाएं बेहद खुश थीं। घर परिवार समेत गांव की महिलाएं भी मोबाइल फोन लेकर एक सेल्फी लेती हुई नजर आईं। संत कबीर नगर में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कम नामांकन के मामले को लेकर के न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद बीएसए ने मामले को संज्ञान लेते हुए 4 विद्यालयों को नोटिस दिया है। वहीं बीएसए ने कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लक्ष्य न प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। नामांकन का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीएसए ने बैठक की है। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का 2 दिवसीय दौरा है, जिसके लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी स्वास्थ्य केंद्रीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और गौशाला का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जन चौपाल लगाकर के मंत्री ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे। प्रतापगढ़ में अवैध शराब से भरे ट्रक के साथ तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 972 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि चंडीगढ़ से बिहार ले जा रहे थे अवैध शराब। ये पूरा मामला कधई थाना के रखवा इलाके का है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का नानक मक्ता पहुंचने पर पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी संगठन को लेकर के कार्यकर्ताओं की बैठक की। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि गुरुद्वारा साहिब की भूमि पर वह पहली बार पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के पूर्व विधायक ने अवगत कराया है, क्षेत्र के विकास को लेकर के उनकी तरफ से कार्य किया जाएगा। उन्होंने नानकमक्ता के रोडवेज बस स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव इंटरनेट से जोड़ना है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने तक सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल सके। वहीं पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत द्वारीखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के चलते क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो हमारे यहाँ पे ये जो दिक्कत मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, ये इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है और उनके द्वारा अभी इसमें प्रक्रिया चल रही है। और मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, जो जनता को भी मतलब परेशानी का सामना करना। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि ये RDOD जमा होने में दिक्कत होती है, ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटदार जेरीखाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को। नेटवर्क नहीं आता है ठीक से और पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, बैंक में भी नहीं आता है, पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है, हम लोग आते हैं यहाँ। हमीरपुर में सराफा व्यापारी के घर और दुकान पर लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान 3 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस को अवैध असलहा, 2 मोटरसाइकिल और लूटा गया कुछ जेवर भी बरामद हुआ है। कारित किया गया था, जिसमें से 6 गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी जालौन जनपद के रहने वाले हैं। पूर्व में इनके द्वारा कानपुर देहात, जालौन और इसके अलावा कन्नौज और छिबरा मऊ में भी घटना कारित करना बताया गया है, वहाँ भी अवगत कराया गया है, जिससे कि जो भी घटना हो उसका वर्कआउट हो सके। जो भी सामान लूटा गया था उसमें से लगभग 4.25 लाख के सोने और चांदी के सामान बरामद हुए हैं। काशीपुर में ईद मनाने अपने घर आए हल्द्वानी में तैनात SI और उनके भाई पर स्थानीय गंगे बाबा रोड पर लगभग 1 दर्जन बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जहां लहूलुहान हालत में दरोगा को काशीपुर राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल हमलावर फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं और ये हल्द्वानी में तैनात हैं। कल ये अपनी फैमिली के साथ कहीं मार्केट से आ रहे थे, तो गंगा बाबा रोड पर कुछ 11 लड़के, जिसमें नजमा और दोस्त के लड़के, करीब 10-12 लोग अज्ञात हैं,
उनके द्वारा इन पर हमला किया गया है। इस संबंध में थाने पर FIR पंजीकृत की जा चुकी है और इन गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर पहचान में किस तरह से कौन लोग थे? इसमें एक महिला और दो उसके लड़के हैं और बाकी 10-12 लोग अज्ञात हैं। मैं घर पर अपना बैठा हुआ था तो मेरे पास राजा फ़ोन आया, करीब 9:27 का टाइम हो रहा था, तो घबराई भी आवाज़ थी। जब मैंने वहाँ पहुँच कर देखा तो उनके साथ ये वारदात हुई थी। मेरे पापा, छोटा भाई और चाचा चाची मेहमानदारी से घर आ रहे थे, तो वहाँ जब पहुँचा तो लहूलुहान हालत में थे और जो लड़के वहाँ पर बहुत सारे और भारी मात्रा में पे हथियार थे, तो वो मैं इनको अस्पताल लेकर पहुँचा तो वहाँ जाकर डॉक्टर ने इनको ट्रीटमेंट दिया है। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसे घोड़ाखाल लियाए के गोलजीव मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर गोलजीव देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने भी संदेश यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।